गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स प्लेज। आई सुमन कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कलीग्स फ्रॉम COVID-19। आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड इनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, टू ऑलवेज वेयर अ मास्क, फेस कवर स्पेशली वेन इन पब्लिक प्लेसेस, टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स, टू वॉश माई हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड थोरली विद सोप एंड वाटर। टुगेदर वी विल विन दिस फाइट अगेंस्ट COVID-19। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर टू कस्टमाइजिंग विंडोज, पेज नंबर 20। See, in this chapter, we have read about GUI operating system and CUI operating system. Means, operating system क्या है? Operating system एक software है जो computer को start करने में काम आता है, ठीक है ना? And it works as a interface between user and computer, ठीक है? तो अब हम कौन से operating system के बारे में पढ़ेंगे? Windows, ठीक है ना? That is why the name of lesson is customizing Windows. Windows क्या किस तरह का operating system है ना? Windows है graphical user interface. So we have to know about the difference between character user interface and graphical user interface. Character user interface में बच्चे जो operating system होते हैं उसमें कोई pictures, कोई icons नहीं होता है, वो simple डेस्कटॉप आपको मिलेगा, उसमें जस्ट यू हैव टू टाइप कैरेक्टर्स फ्रॉम द कीबोर्ड्स एंड गिव द कमांड एंड यू विल गेट द रिजल्ट इन कैरेक्टर फॉर्म। कैरेक्टर फॉर्म में ही आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कैरेक्टर फॉर्म में ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो एग्जांपल है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का MS-DOS, ठीक है? तो हम जो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट विंडोज के बारे में, तो यू नो विंडो इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्हाई इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? सी, इट डील्स विथ पिक्चर्स, दिस स्मॉल पिक्चर्स कॉल्ड आइकन्स। तो ये आइकन्स जो है ये प्रोग्राम्स के आइकन्स हैं। तो प्रोग्राम्स को आप कैसे डिटेक्ट करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो? बाय आइकन्स। माई कंप्यूटर का आइकन्स है, इसको ओपन करोगे तो कंप्यूटर की ड्राइव्स ओपन हो जाएंगे। ये रिसाइकल बिन्स का आइकन है, रिसाइकल बिन ओपन करेंगे तो डिलीटेड फाइल फोल्डर फाइंड करेंगे, है ना? तो इसमें जो भी हम क्लिक करते हैं, जस्ट आई पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं और ओपन करके यूज कर सकते हैं, है ना? सो इट इज ग्राफिकल बेस्ड, ग्राफिक्स बेस्ड हो गया ना, तो इट इज नोन एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 7 इज अ एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो विंडोज 7 के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सी, ये जो बैकग्राउंड इमेज है दिस इज कॉल्ड वॉलपेपर। क्या है ये? ये डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में जो इमेज है दिस इज कॉल्ड वॉलपेपर। एंड दीज स्मॉल पिक्चर्स नोन एज आइकन्स। क्या है ये? प्रोग्राम्स के आइकन्स, वी कैन कॉल इट डेस्कटॉप आइकन्स, ठीक है? और यहाँ पे जो कॉर्नर पे बटन है दिस इज कॉल्ड स्टार्ट बटन। एंड स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, जिससे कि हम प्रोग्राम्स को की लिस्ट, वी कैन सी द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड वी कैन ओपन फ्रॉम इट, ओके? और ये जो है टास्क बार है। टास्क बार क्यों है? कि जब भी कोई टास्क या प्रोग्राम आप ओपन करते हो तो वो टास्क बार पे शो होता है। मान लो एमएस वर्ड ओपन किया है तो टास्क बार पे शो होगा एमएस वर्ड, एमएस पेंट, कुछ भी, जो भी टास्क आपने ओपन किया वो यहाँ पे टास्क बार पे शो होगा। जैसे ही आपने प्रोग्राम क्लोज किया, ऑटोमेटिक इट विल रिमूव फ्रॉम द टास्क बार, ठीक है? एंड राइट साइड पे ये जो एरिया है टास्क बार का, दिस इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में यू कैन नोटिफाई डेट, टाइम, सिस्टम वॉल्यूम, इंटरनेट, और अगर कोई भी हार्डवेयर अटैच किया है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? सो कौन कौन से कंपोनेंट्स पड़े? बैकग्राउंड सी, फर्स्टली आइकन्स, दीज स्मॉल पिक्चर्स ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड आइकन्स। टास्क बार, दीज लॉन्ग बार बिलो द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार, ठीक है ना? और टास्क बार में क्या क्या होता है? क्विक लॉन्च बार होता है, स्टार्ट बटन होता है ना? क्विक लॉन्च बार होता है मतलब कि यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हो, जो भी प्रोग्राम डेली यूज कर रहे हो यहाँ फिक्स कर दिया, पिन कर दिया, तो उसको जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, इस पर जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन एंड इट विल ओपन, ठीक है ना? इसीलिए क्विक लॉन्च बार बोलते हैं। नोटिफिकेशन एरिया है, क्लॉक, शो डेस्कटॉप बटन्स, सारा कुछ यहाँ पे है, ठीक है? सी, है ना?
like this. Start button, quick launch bar, icons open program, है ना, और notification area, show desktop button, ठीक है. Next, see start button. When you click on start button, ठीक है ना, तो ये एक start menu open हो जाएगा. Start menu में देखो क्या है, यहाँ पे programs के की list है ना. स्टार्ट मेन्यू में जो भी प्रोग्राम रिसेंटली ओपन हुआ है, एक तो उसकी लिस्ट है और साथ ही डिफरेंट लिस्ट है, कंट्रोल पैनल्स हो गए, माई कंप्यूटर्स हो गया, ठीक है ना. उसके बाद सी क्विक लॉन्च बार. क्विक लॉन्च बार क्या है, जस्ट नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन. इसके बाद जस्ट यहाँ पे क्विक लॉन्च बटन होता है. इसमें क्या होता है कि इट कंटेंस द आइकन ऑफ प्रोग्राम दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज. फ्रिक्वेंटली यूज मतलब रोज यूज करते हैं, जिसको बार बार यूज होता है, तो यहाँ पे पिन कर सकते हैं हम, ठीक है ना. नेक्स्ट नोटिफिकेशन एरिया. नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू कैन सी द डेट एंड टाइम एंड हिडन आइकन्स ऑप्शंस टू सी मोर आइकन्स इन अ पॉपअप रेक्टेंगुलर एरिया. यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी हार्डवेयर कुछ अटैच किया है या कुछ भी प्रोग्राम्स ओपन है या सिस्टम की वॉल्यूम क्या है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ठीक है. नेक्स्ट सेटिंग द स्पीकर वॉल्यूम, ठीक है. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्पीकर की वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं. From notification area, speaker icons present in the notification area used for setting the system volume. जब volume पे click करोगे तो just है ना scroll bar open हो जाएगा, है ना, वहाँ पे volume show होगा. जैसे आप scroll bar को up करोगे system volume raise होगा, and down करेंगे system volume कम होता जाएगा, ठीक है. Next see like this, है ना, ये scroll open हो गया, ये volume का icon है, ठीक है ना. इसको अप करते जाएंगे, जितना ही अप करेंगे सिस्टम वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे इसको डाउन करते जाएंगे, है ना, इट विल रिमूव योर साउंड्स, ओके, कम करते जाएगा साउंड्स को. नेक्स्ट क्लॉक. तो नोटिफिकेशन एरिया में जो क्लॉक होता है, इस तरह से यहाँ पे ना क्लॉक आता है, टाइम एंड डेट भी आता है. तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यू विल सी लाइक दिस, है ना. यहाँ पे यहाँ से आप डेट सेट कर सकते हो, है ना. ये देखो ये एरो बना हुआ है ना, जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो, यू विल गेट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. जस्ट सेट द डेट फ्रॉम हेयर बाय क्लिकिंग, एंड चेंज डेट एंड टाइम पे जब क्लिक करोगे जब, तो आपको टाइम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा. तो चेंज द टाइम ऑप्शन पे क्लिक करो, टाइम वहां से सेट करके इस तरह से यहाँ पे चेंज द टाइम ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर देन वहाँ पे टाइम सेट करता है, उसके बाद फिर डेट सेट करना है, उसके बाद सेव चेंजेस या ओके, हाँ ओके के बटन पे क्लिक कर दिया, देन इट विल सेट द डेट एंड टाइम, ठीक है. नाउ शो डेस्कटॉप बटन. शो डेस्कटॉप, दिस बटन इज लोकेटेड ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ बिल्कुल राइट साइड पे, ठीक है ना. ये देखो सी, है ना, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन ऑल द ओपन विंडोज विल मिनिमाइज एंड यू कैन व्यू द डेस्कटॉप स्क्रीन. जितने भी विंडो ओपन होंगे सब मिक्सअप के सब वन टाइम पे मिनिमाइज हो जाएंगे, और यू कैन सी द एम्प्टी डेस्कटॉप, ठीक है ना. और दोबारा क्लिक करोगे तो दोबारा ओपन हो जाएंगे सारे विंडोज, ठीक है. जंप लिस्ट. जंप लिस्ट इज अ पॉपअप लिस्ट ऑफ टास्क और रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स दैट अपियर व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी ऑफ द प्रोग्राम आइकन्स, है ना, प्रेजेंट ऑन टास्क बार. कोई भी टास्क बार पे प्रोग्राम ओपन है, अब यहाँ पे क्लिक करोगे, है ना, जस्ट अपना माउस का कर्सर यहाँ पे रखना है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे ना यहाँ पे वन बाय वन शो हो जाएंगे, वन बाय वन, ठीक है ना. इसमें से यहाँ साथ के साथ यू कैन रिमूव ऑल्सो, है ना, एंड यू कैन सी इन शॉर्ट, ठीक है. ओके, दिस इज एनफ फॉर टूडे. Okay, have a good day, bachche. We will read the chapter next page next day, okay?